सो हेलो गाइज, मैं रवि जैन, बैक अगेन विद नई वीडियो। गाइज, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं बीओके वाई 20 रिवाइज में डेवलपर मोड को कैसे ऑन करते हैं। तो उससे पहले गाइज मैं बता दूं डेवलपर मोड क्या काम आता है, किस लिए हम उसे ऑन करना चाहते हैं। सो मैं बता दूं गाइज, जो ये बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन रन करते हैं हम इन्हें क्लोज करने के काम में बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं। तो चलो हम बताते हैं कैसे आप इसे यूज करेंगे एंड कैसे आप इसे ऑन करके अपने जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड रन कर रहे हैं आप उन्हें क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कोई और उसमें यूएसबी डबिंग वगैरह ऑन करना तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए गाइज आपको फ़ोन सेटिंग में जाना होगा और ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये जो एंड्रॉयड 9 और 10 वर्जन में इस तरह से मिलेगा। एंड जो अगर आप उसके लाइक ओल्डेस्ट वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, फिर हमारे मेन चैनल पर जा सकते हैं जिस पर आपको मिल जाएंगी वीडियो कैसे आपको डेवलपर मोड ऑन करना है। सो उसके लिए गाइज आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटमेंट का, इसे आपको प्रेस करना है। देन आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है। अभी गाइस क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये आपको मॉडल्स नंबर वगैरह दिख जाएंगे आपके फ़ोन के, तो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन का एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, आपको इसको 7 बार टैप करना है 1 2 3 4 ऐसे करके। तो फिलहाल मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ऑन है तो हम यहाँ से क्या करेंगे इस बारे एरो को बैक करेंगे। देन गाइस नीचे आएंगे, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शंस का, इसे सिंपली प्रेस करिए। एंड गाइस यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस हमारा है ऑफ है, हम इसे ऑन कर देते हैं। देन ओके, अब हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है ये ऑन हो चुका है। अब हम बताते हैं आपको क्या क्या हम कर सकते हैं इस डेवलपर मोड से। सो यहाँ पर गाइज है पिक्चर कलर है जो आप इसे कर सकते हैं, ये लाइक यूज़ sRGB इसके लिए है। और व्यू यहाँ पर वेब व्यू को भी देख सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। नीचे USB डबिंग हमारा ऑन है क्योंकि हम जो है कुछ एप्लीकेशन वगैरह पे काम कर रहे थे, उसके लिए हमने ATM बनाया था, लाइक AVD बनाया था, उसके लिए हमने इसे ऑन करके रखा है। तो आप चाहे तो अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं इसका डेमो देखना चाहते हैं उसको एप्लीकेशन का, तो आप USB डेविंग को ऑन कर सकते हैं। तो हम इसे फिलहाल ऑफ कर देते हैं। एंड यहाँ पर लोकल है, लोकल टर्मिनल है, और आपको नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गाइज, आप इन्हें यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। एंड अगर आपको बंद करने हैं जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो आप उसे भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी वाली, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रनिंग सर्विस मिल जाएगी, तो इसके अंदर भी आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएंगे, आप इन्हें चाहें तो यहाँ से मोनिटर कर सकते हैं। जो भी अगर बैकग्राउंड में रन करते हैं आप यहाँ से इसे यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसे करते हैं, स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। और ये मेथड हम अबाउट एप्लीकेशन में भी जाके कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से भी हम इसे कर सकते हैं। सो यही कुछ तरीका है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से इजीली इसे ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ से इजीली इसे ऑन कर सकते हैं। ऑन हम तब करेंगे जब हमें इसकी नीड होगी, आई थिंक जब हमें ये सब यूज करना होगा तब हम इसको ऑन करेंगे डेवलपर ऑप्शन को, अदरवाइज आपको एक वार्निंग यहाँ पर आएगी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास है करंटली इन डेवलपर मोड ऑन है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये है फिलहाल। लेकिन गाइज कुछ डिवाइसों में ये वार्निंग देता है कि हमारा डेवलपर ऑन चल रहा है तो आप उसे बंद करिए। तो अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसे ऑन करने में, लाइक जो सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिक है वगैरह वगैरह, तो आप जो है उसे बंद करके रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप इसे ऑन करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे परमानेंटली ऑन करके रखना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत है जो एप्लीकेशन यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं तो आप उसके लिए ऐसे ऑन कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऑफ़ कर देंगे सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ हो जाएंगे, हम इसे कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो होपफुली गाइज आप समझे होंगे कैसे ऑन करना है डेवलपर ऑप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी वीडियो को लाइक कर देना। देन इट्स रिलेटिव कोई भी और क्वेश्चन हो आपको नीचे कमेंट सेक्शन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।